क्या आप अपने मोबाइल को खोने से बचाना चाहते हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने खोए हुए मोबाइल को वापस पा सकते हैं। आपका मोबाइल खो गया है, गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, तो उसे कैसे ट्रैक करेंगे, वो भी ऑफिशियली गूगल ट्रैकिंग वेबसाइट से। आपको इसमें कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ गूगल ट्रैकिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करूंगा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका मोबाइल चोरी हो गया है और जिसने चोरी किया है उसने मोबाइल की सारी डाटा को रीसेट कर दिया है, तब मैं ही नहीं कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये EMI ट्रैकिंग बेस से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट आपकी हेल्प नहीं कर सकती है। अगर आपके मोबाइल खो गया है और उसने रीसेट कर दिया है तो YouTube में वीडियो ढूंढ के समय बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत सारे आपको फेक वीडियोस मिलेंगे। आप सिंपली पुलिस के पास चले जाइए, वो आपके काम चुटकी में कर देगा, पर यहाँ इंटरनेट पे EMI ट्रैक बेस पे कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो खैर चलिए देखते हैं कि किस तरह से मोबाइल को ट्रेस करें यदि हमारे मोबाइल खो जाता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो के बिल्कुल नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे आप सिंपली क्लिक कर लीजिए और उसके बिल्कुल बगल में आपको एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसे भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके मोबाइल में जीमेल अकाउंट का लॉगिन होना अनिवार्य है, उसके लिए हम सेटिंग्स पे चलते हैं और नीचे हम यहाँ पे जो गूगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम टैप कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट प्रेफरेंसेस यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यानी कि मेरा जीमेल अकाउंट जो है यहाँ पे लॉग्ड इन है, आप ऊपर पे देख सकते हो। तो अभी हम गूगल खोल लेते हैं। ये हम गूगल पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा, इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तो यहाँ पे हमें टाइप करना होगा एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर। ये मैंने टाइप किया, तो टाइप करने के बाद सबसे पहला ऊपर में आपको जो ये दिखाई दे रहा है एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर, तो यही एड्रेस है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ये मैंने क्लिक किया, तो उसके बाद आपको यहाँ पे लॉग इन करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आप अपने जीमेल अकाउंट पे लॉग इन कर लीजिए, जो जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल पे लॉग इन है उसी के द्वारा ही आपको लॉग इन करना होगा। तो मैं सिंपली लॉग इन कर लेता हूँ, ये मैंने साइन इन कर लिया। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरा लोकेशन जो है वो ट्रेस हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपका एग्जैक्ट एड्रेस भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा, साथ में पिन नंबर भी आपको दिखाई देगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप जो फोन को जो है आप लॉक कर सकते हो, और फोन को आप इरेज कर सकते हो, और फोन को आप रिंग कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ आपका फोन जो है वो बजने लगेगा। यहाँ पे क्या होता है कि यदि आपका फोन जो है घर में किसी जगह पे छूट गया है, साइलेंट पे है और आपको पता नहीं चल रहा है, तब ये फीचर्स जो है आप इस्तेमाल करके अपना फोन को आप रिंग सकते हो। आपका मोबाइल साइलेंट पे भी रहेगा तब भी ये आपका रिंग कर रहेगा। यहाँ पे आप सपोज कि सिंपली आप यहाँ पे प्रेस करते हो रिंग पे, तो आपका मोबाइल जो है ये बजने लगेगा। जिसकी बज गया इसे मैं सिंपली ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया। तो इस प्रकार से आप एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर का यूज करके आसानी के साथ अपने मोबाइल को आप ट्रेस कर सकते हो। तो दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।
Oh.
Thank you.
send it to